Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Well, I'm Amar Ansari, aap sabhi logo ka Varun Dhawan, Anil Kapoor, Neetu Kapoor aur Kiara Advani ki film Jug Jug Jiyo ke day number 2 ke box office collection prediction, audience occupancy and show count episode mein tehe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? Well, friends, jaise humne subah discuss kiya tha जुग जुग जियो के डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में कि आज की इसकी एडवांस बुकिंग जो है वो तकरीबन 4.80 करोड़ रुपए की हुई है, यानी कि ये फिल्म डेफिनेटली 10 करोड़ के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है. सो गाइज वही हुआ, लेकिन इज दिस ग्रोथ, इज दिस जंप इनफ फॉर जुग जुग जियो, यही इसी के बारे में आज का एपिसोड है. मैंने सुबह ही कहा था दिस फिल्म नीड्स टू जंप एटलीस्ट टू 14 to 15 करोड़, क्योंकि गाइस ये सेम पैटर्न हमने बच्चन पांडे में भी देखा था. बच्चन पांडे 13.25 करोड़ थी, फिर 11.50 करोड़, 11.42 करोड़, एंड उसके बाद इट वॉज कम्प्लीट गेम ओवर. बात करें सम्राट पृथ्वीराज की, तो जिस तरह का ग्रोथ यहाँ पर जुग जुग जियो ले रही है उसी तरह का ग्रोथ, इनफैक्ट सम्राट पृथ्वीराज का ग्रोथ बहुत ज्यादा था. सम्राट पृथ्वीराज डे वन 10.70 करोड़ थी, जबकि जुग जुग जियो केवल 9.28 करोड़ है, लेकिन डे टू सम्राट पृथ्वीराज ने भी जंप लिया था 12.60 करोड़, एंड संडे 16.10 करोड़. सभी को लगा कि फिल्म अब निकल गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मंडे को वो हुआ जिसका सभी लोगों को डर था. तो गाइज हमको अभी मंडे तक इंतजार करना पड़ेगा जुग जुग जियो के लिए. लेकिन गाइज टुडे सैटरडे विथ मोर देन 11,000 शोज, यस फ्रेंड्स, मोर देन 11,384 शोज एंड 3,375 स्क्रीन्स जुग जुग जियो नीडेड टू अर्न एटलीस्ट 14 to 15 करोड़. लेकिन ये आज 14 to 15 करोड़ कमाने में असफल रही है. आज तो ट्रेड ने हदें पार कर दी. उन्होंने कहा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट्स ऑफ द फिल्म वेयर इट इवेंचुअली गोज, द ओपनिंग इज अ प्लस टू वरुण धवन कंपेयर्ड द नंबर्स ऑफ सम ऑफ द कंटेम्परेरीज. यानी कि उन्होंने कहा कि वरुण धवन की ओपनिंग बहुत ही बेहतरीन लगी है, उनको हम कंपेयर करें उनके सह कलाकारों से, यानी कंटेम्प्रेरीज से. आप लोग कंटेम्प्रेरीज जो है उनको गूगल कीजिए. उन्होंने कंटेम्प्रेरीज वरुण धवन जिनका डेब्यू 2012 में हुआ है, उनको 2003 में अपने इंडस्ट्री में कदम रखने वाले वेटरन शाहिद कपूर से कंपेयर किया गया है. मतलब ट्रेड के अनुसार वरुण धवन के साथ में शाहिद कपूर ने भी डेब्यू किया था. आई मीन शाहिद कपूर हैज स्पेंड मोर देन 20 इयर्स इन द इंडस्ट्री. इतनी हाइप देना, यू नो, 9.28 करोड़ की ओपनिंग के लिए कुछ ज्यादा ही है मेरा भाई. फिर इतना ही नहीं, उन्होंने रणवीर सिंह के साथ भी उनको कंपेयर किया, जो कि उनके सीनियर इस इंडस्ट्री में, कंटेम्प्रेरी नहीं है. वो खुद ऑलमोस्ट 300-400 करोड़ की फिल्में देकर बैठे हुए हैं, यू नो, 240 करोड़ की सिम्बा देकर बैठे हुए हैं. एंड फिर हदें तब पार हुई जब वरुण धवन को उनके जूनियर टाइगर श्रॉफ के साथ कंपेयर कर दिया, जिन्होंने 2014 में इंडस्ट्री में कदम रखा है. ये सारी चीजें करके कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कंपेयर करना तो उनके सह कलाकार के साथ करते हैं. गाइस दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस. हम हमेशा ट्रेड की बचकानी हरकतें देखते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सुपर से भी ऊपर की हरकत कर दी है. चलिए आज के एपिसोड में आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर जुग जुग जियो ने किस तरह से परफॉर्म किया. मेरे पास बात करें मॉर्निंग के शोज की, मैं आपको कहा था एकदम डिस्मल ओपनिंग है. आफ्टरनून के शोज काफी अच्छी हद से ग्रोथ देखने के लिए मिला, एंड द आफ्टरनून शोज इंक्रीज टू 16 to 17%. यस फ्रेंड्स, आफ्टरनून के शोज जो है वो 16 से 17% पे जंप मारी उन्होंने, एंड इवनिंग के शोज जो थे वो यहाँ पर 20 से 22% पे गए. देखिए गाइस एक और पैटर्न है जो मैंने नोटिस किया, जो मैं आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ. देखिए गाइस इनसिग्निया शोज तो फुल है ही है, यहाँ पर अब पीवीआर आइकन जो है ल्यूक्स, ये एक नया आया है जहां पर 1300 रुपए की टिकटें एंड 1100 रुपए की टिकटें वो भी फुल है. एंड एटीपी इतना हाई है, पीवीआर डायनामिक जुहू, जहां पर बहुत सारी स्पेशल स्क्रीनिंग्स होती है, आप में से कई लोग वहां पर गए होंगे, वहां पर जुग जुग जियो की रात की टिकट 430 रुपए की है गाइस. यानी कि वो टिकट जो 200-250 की हुआ करती थी आज 430 की है. यानी कि जुग जुग जियो को कितना यहां पर टिकट के रेट्स को बढ़ाकर दिया जा रहा है. एंड इतना ही नहीं, यहां पर शुरुआती में हमने देखा किस तरह से यहां पर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे उनकी हाइप बढ़ाने के लिए. ही हैज कार्व्ड अ नीश फॉर हिमसेल्फ इन मास फ्रेंडली फिल्म्स एंड कैरेक्टर्स. वरुण धवन स्टेप्स इन न्यू स्पेस विद जुग जुग जियो, मैच्योर परफॉर्मेंसेस नॉट ओनली कनेक्टेड विद फैंस बट ऑल्सो इंडस्ट्री फोक्स. पता नहीं, शायद मैं कोई अलग फिल्म देखकर आया हूं, इन्होंने कोई अलग फिल्म देख ली है. वरुण धवन जिनकी पिछले ऑलमोस्ट कितनी सारी फिल्में फ्लॉप हुई है,
अनफॉर्चुनेटली 9.28 करोड़ की फिल्म ने उनका पोजीशन जो है इंडस्ट्री में वो सीमेंट कर दिया है एज अ बैंकेबल स्टार. आई मीन रियली गाइज, ये सारी चीजें चल रही है जिसको आप सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गाइज मीडिया परसेप्शन बन जाता है फिल्मों को लेकर, एंड जो भोली वाली जनता है वो इसी बहाव में बह जाती है. तो गाइज बात करें मुंबई की, तो यहाँ पर 1027 शोज में तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी इज इम्पोर्टेंट, दैट इज 20% ऑक्यूपेंसी. दैट्स इट, 20% ऑक्यूपेंसी थी पूरे के पूरे दिन में. यस, कल से जो ऑक्यूपेंसी थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन गाइज कैन यू बिलीव इट, जो यहाँ पर फिगर्स आ रहे हैं हमारे सभी सामने, 11,380 जितने भी शोज है उनमें जब कलेक्शन 9.28 करोड़ का आएगा ना, आप डिवाइड कीजिए पर थिएटर कितने लोग बैठे हैं. बात करेगा इस दिल्ली एनसीआर की, 1033 शोज में 21% ऑक्यूपेंसी थी. पुणे की बात करूं, 338 शोज में 15%. सिंगल स्क्रीन जो थे जुग जुग जियो के लिए वो इतने खाली थे, आप गेट ही उठा के देख सकते हैं. बड़े बड़े सिनेमा का जो सिंगल स्क्रीन है तो केवल मल्टीप्लेक्सेस में ही ये जो सीट्स है वो भर रही है. नीश ऑडियंसेस है जिनको ये फिल्म का थीम जो है वो समझ में आ रहा है, इस थीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको ही ये फिल्म जो है वो केटर कर रही है. बात करेगा यहाँ पे बेंगलुरु की, 223 शोज में 18% ऑक्यूपेंसी है. हैदराबाद में 187 शोज में 20% ऑक्यूपेंसी. कोलकाता की बात करूँ, 310 शोज में केवल 13% की ऑक्यूपेंसी है. यानी कि ये कुछ चुनिंदा शहर ही है जहां पर जुगजुग जियो की जो कमाई हो रही है वो हो रही है. बात करेगा इस अहमदाबाद की, 370 शोज में 16% ऑक्यूपेंसी. चेन्नई की बात करो, 62 शोज में 40%. सूरत इज एब्सोल्युटली बैड, 208 शोज में 8%. पूरे के पूरे शोज यहां पर 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग, इस तरह सूरत आगे बढ़ रहा है. बात करें जयपुर की, 150 शोज में 15% की ऑक्यूपेंसी. यानी कि अगर आप पैटर्न फॉलो करें तो मैं मेन सेंटर्स अगर छोड़ दूं तो बाकी कोई भी डबल डिजिट में दिखाई नहीं दे रहा. चंडीगढ़ जहाँ पे ऑलमोस्ट पंजाबी फ्लेवर है फिल्म का, 100 शोज में केवल 12% की ऑक्यूपेंसी है. बात करूँ भोपाल की, 96 शोज में 8%. एंड लखनऊ में 202 शोज में 13%. यानी कि जितने शोज मिले हैं उसके मुताबिक ये फिल्म कलेक्शन नहीं कर रही है. अगर इतने शोज मिलते एंड फिल्म वाकई ऑडियंस के दिलों में घर बना देती, देन आज 9.28 करोड़ से सीधा ये फिल्म 14 से 15 करोड़ जाती. लेकिन ऑल सेड एंड डन, जितना भी जंप मिला है इस फिल्म को, अच्छा जंप है. हम चाहते हैं कि जितने लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं वो और मात्रा में इस फिल्म को संडे तक ही नहीं बल्कि मंडे को भी इंजॉय करें, तभी जाकर ये फिल्म इसके असली सक्सेसफुल मुकाम पर जो है पहुंच पाएगी. ओके गाइस, माय प्रेडिक्शन फॉर जुग जुग जियो ऑन इट्स सेकंड डे एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस इज 11 से लेकर 12 करोड़. एंड अगर ऐसा होता है, अगर ये समझो 12 करोड़ कमाती है, आई ऑलवेज बी ऑन द हायर साइड, देन गाइस कहीं ना कहीं ये 21 से लेकर 22 करोड़ के रेंज में आ जाएगी. संडे दिस नीड्स टू डू 17 करोड़ प्लस, क्योंकि पृथ्वीराज ने भी 16 करोड़ की कमाई की थी, तो दिस डेफिनेटली शुड डू 16 to 17. क्योंकि गाइस जो मंडे आएगा वो 9.28 करोड़ से हमको कंपेयर करना पड़ेगा. बड़ी सी बड़ी फिल्में अगर फ्राइडे को 10 कमाती है तो मंडे वो 6 कमाती है. क्या जुग जुग जियो 9.28 से मंडे को 5 कमाती है, 4.5 कमाती है? अब तब मंडे को उसका मेरिट बोलेगा. तब तक जुग जुग जियो, मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ. यू गोना सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल.